हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एंड करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 3 और इसमें लास्ट के जो दो क्वेश्चन बच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किसके जैसा मैच कर रहा है। देखिए क्या लिखा है कि इफ़ एम टाइम्स द एम्थ टर्म ऑफ एन ए पी, मतलब एक ए पी का एम्थ टर्म जो है उसको अगर आप एम टाइम करोगे, मैं आपको समझाऊंगा बाद में, इज इक्वल टू एन टाइम्स द एंथ टर्म ऑफ एंथ टर्म, और उस ए पी का ये जो सिचुएशन है अगर वो ये सिचुएशन के इक्वल में है, मतलब इक्वल्स टू एन टाइम्स एंथ टर्म, ये सब आपको समझा दूंगा, देन शो दैट एम प्लस एंथ टर्म क्या रहेगा, जीरो रहेगा ए पी का। सेम क्वेश्चन अगर आप देखोगे, इसी टाइप का क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हो, इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 आपने लास्ट वीडियो में देखा है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको सेम क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। इनफैक्ट अगर 12th और 13th क्वेश्चन मैं एक वीडियो में बनाता तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहता था, लेकिन अगर नहीं हो पाया स्टूडेंट्स, मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, तो मैं आपको 12th क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ, फिर आप देखिए कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए आपको 12th क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पे फिर से समझिए कि m टाइम mth टर्म इक्वल है n टाइम nth टर्म को, तो प्रूव करिए कि m प्लस nth टर्म जीरो होता है। तो देखिए 12th क्वेश्चन ये था कि इफ़ सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ ए पी ऑफ दैट ए पी, देन शो दैट कि पी प्लस क्यू टर्म जीरो है और पी इज नॉट इक्वल टू क्यू जो दिया है, वो सिचुएशन में भी आपको वही लेना पड़ेगा जो 13 क्वेश्चन इसके बाद हम देखने वाले हैं। ये देखिए 11 और 12 क्या था इसके पहले वाली वीडियो में, वहाँ पे भी आप जैसे यहाँ पे पी इज नॉट इक्वल टू क्यू है, वैसे आपको वहाँ पे एम इज नॉट इक्वल टू एन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे और उसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे हर जगह पे सम लिखा है और इसीलिए हमने एस एन का फॉर्मूला लिखा था, और वहाँ पे सम नहीं लिखा है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे सम नहीं लिखा है तो यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला आएगा, वहाँ पे जैसे एस एन का फॉर्मूला आता वैसे यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला आएगा। तो देखिए सम ऑफ पी टर्म, जैसे एस एन का अगर ये फॉर्मूला है तो सम ऑफ पी टर्म का फॉर्मूला ये बन जाएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, तो सम ऑफ क्यू टर्म का फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल है बोला कि इज, अगर ये दोनों इक्वल है तो हमको कंडीशन दिया था कि सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, ये कंडीशन दिया था। और वैसे यहाँ पे भी अभी जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें ऐसा बोला, देखिए एम टाइम्स एम्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू एन टाइम्स एंथ टर्म, तो जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला यूज होगा, तो टी एम एम्थ टर्म है और टी एन एंथ टर्म है, यहाँ पे एन ही दे दिया है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि टी एम जो है वो टी एन को इक्वल नहीं है, जैसा 12th वाले क्वेश्चन में सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म था, यहाँ पे सम ऑफ में टी एम इज़ नॉट इक्वल, ऐसा नहीं बोला कि डायरेक्टली कि टी एम इज इक्वल टू टी एन, यहाँ पे बोला कि एम टाइम्स टी एम, मतलब इस टर्म का एम टाइम, मतलब एम से अगर आप टी एम टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा एन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जैसे देखिए अगर कोई फिफ्थ टर्म है तो उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई फोर्थ टर्म है उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल है दोनों, ये कंडीशन यहाँ पे दिया है। और वहाँ पे सिंपली कैसा बोला था कि सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, कोई टाइम्स नहीं दिया था, और वहाँ पे सम में चल रहा था, यहाँ पे सम में नहीं चल रहा है। तो एक कंडीशन आपको लग रहा है कि दोनों सेम जैसा है, इसको भी हम एक्सपांड करेंगे, इसको भी एक्सपांड करेंगे, और फिर कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद वहाँ पे और क्या दिया था, देखिए और क्या दिया था, मतलब क्या पूछा था, देखिए पी प्लस क्यू आपको जीरो बोला था, तो एस पी इज इक्वल टू एस क्यू था, तो हमने एस पी को के जगह पर ये लिखा, एस क्यू के जगह पर ये लिखा, फिर काफ़ी कुछ एक्सपांड किया, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो एस ऑफ पी प्लस क्यू आपको जीरो बताना था, तो एस ऑफ पी प्लस क्यू का ये फॉर्मूला आया था स्टूडेंट्स, उसी तरह हमारा अभी वाला जो क्वेश्चन है 13 उसमें भी आएगा। इसको देखिए, जैसे एस एन एन अपॉन टू था वैसे एस ऑफ पी प्लस क्यू अपॉन टू रहेगा, फिर टू ए प्लस एन माइनस वन है और एन एन एन, तो ये पी प्लस क्यू, ये पी प्लस क्यू, तो ये भी पी प्लस क्यू रहेगा, माइनस वन इंटू डी। तो जिस तरह यहाँ पे हमने एस के लिए सम के लिए ये फॉर्मूला बनाया था, वैसा अभी जो हम 13 क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे हमको टी एन के लिए बनाना पड़ेगा। देखिए टी एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस, जैसे टी एन का फॉर्मूला क्या था जनरली फटाफट लिखेंगे, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो टी एम का क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और टी एम के को एम से मल्टीप्लाई करना, तो एम को आप बाहर रखने का है और ये चीज़ यहाँ पे लिखने का है, और एन को बाहर लिखना है और ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है, फिर आप किस तरह प्रूव करोगे मैं बताऊँगा। पहले यहाँ पे जो पूछा है कि एम प्लस एन, मतलब टी ऑफ एम प्लस एन, तो बस ये फॉर्मूला आप समझिए कि यहाँ पे ए प्लस, तो यहाँ पे भी आएगा ए प्लस एम माइनस वन, यहाँ पे एम है तो एम माइनस वन, यहाँ पे एन है तो एन माइनस वन, तो यहाँ पे एम प्लस एन है तो यहाँ पे आ जाएगा एम प्लस एन माइनस वन, ये पूरे ब्रैकेट को डी से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा और वो डी से मल्टीप्लाई रहेगा, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे आएगा। और हमको करना क्या है कि ये पूरे को जीरो प्रूव करना है किसी तरह,
ये चीज़ आपको प्रूव करना है। चलिए एक बार उसका सॉल्यूशन क्या था, किस तरह हमने किया था वो आपको बताता हूँ, उसके बाद इसका भी सॉल्यूशन उसी से मैचिंग है। अगर आपने 12th सम्स अच्छे से किया है तो ये सम्स आपके लिए 2 सेकंड का काम है, सिर्फ आप देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। 12th सम्स को एक बार देखते हैं हम कि उसका सॉल्यूशन हमने किस तरह किया था। तो 12th सम्स का SN के लिए ये फॉर्मूला बनाया था, और उसके बाद हमने A और D को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस समझा था, SN का जनरल फार्मूला लिखा था, फिर SP का फार्मूला ये कर दिया था, SQ का फार्मूला ये कर दिया था, लेकिन हमको बोला था कि दोनों इक्वल है तो S of P और S of Q इक्वल है, तो इसके प्लेस पे ये लिखा था यहाँ पे, इसके प्लेस पे ये लिखा है यहाँ पे, दोनों को 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 यहाँ पे, सॉरी मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 अपने को कैंसिल करना था, यहाँ पे ये बचा था, ये बचा था। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करते 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 ये जो आप अंदर का टर्म देख रहे हो, फाइनली हमने क्या किया है, उसको ज़ीरो बताने की कोशिश किया है। जैसे ये जो टर्म है आप यहाँ तक पहुँचे हो, सिर्फ ये बच रहा था, तो इसके लिए हमने क्या किया था यहाँ पे इस तरफ कि पी माइनस क्यू को उस तरफ भेज दिया था इस तरफ, और 0/P-Q ये 0 बन गया था, और आपको ये जो पूरा है 0 मिला था। और जब ये पूरा 0 मिल गया था तब आपने इसका फॉर्मूला लिखा था, पहले SN का फॉर्म लिखा, फिर S(P+Q) लिखा, और इसके प्लेस पे आपने फ्रॉम 1 करके 0 लिखा, और पूरा आंसर आपका 0 हो गया। यही सब कुछ आपको करना है 13 क्वेश्चन में TN लेके। अगर थोड़ा सा लेंदी हो गया शुरुआत में, वेरी सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स, लेकिन ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि 12 सम्स अगर आपने अच्छे से किया है तो 13 सम्स आपके लिए बिल्कुल ईजी है। तो चलिए करते हैं 13 सम्स। एक चीज़ और कि मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक किया था, P इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखा था, P इज़ नॉट इक्वल टू क्यू रहेगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जैसे दिया है, और ये वाले क्वेश्चन में भी यही ऐसे ही लिखना पड़ेगा, M इज़ नॉट इक्वल टू N, बिकॉज ये सिचुएशन में वो दोनों इक्वल नहीं होते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमको बताना है कि टी ऑफ एम प्लस एन टर्म इज जीरो, तो जनरली टी ऑफ एम प्लस एन जो मैंने आपको बताया था वो ऐसा मिलेगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू टी, और आपको यही पूरा जीरो प्रूव करना है ये 2 कंडीशन से। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी, प्रीवियस के क्वेश्चन के जैसा, ये 12 क्वेश्चन के जैसा है। नाउ एम टाइम्स एम्थ टर्म का एम टाइम मतलब टी एम का एम टाइम, मतलब दैट इज अगर देखेंगे तो टी एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, या ऐसा करते हैं एम्थ टर्म छोड़ देते हैं, एम्थ टर्म सिर्फ लिखते हैं कि जैसे एंथ टर्म होता है वैसे एम्थ टर्म, तो एम्थ टर्म मतलब टी एम और दैट इज टी एम, तो वो क्या रहेगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, क्योंकि टी एन अगर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है तो टी एम विच इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी रहेगा। शुरुआत में एम ले लिया, बाद में लोग ने एन ही लिया है जो आपको लिखना है टी एन का, तो टी एम का ये फॉर्मूला हो जाएगा। और उसी तरह एंथ टर्म अगर हम लिखते हैं टी एन आएगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक के लिए, तो टी एम एम्थ टर्म है, टी एन एंथ टर्म है, टी एम का ये फॉर्मूला हो गया, और टी एन का ये फॉर्मूला जाएगा जो जनरली लिखा ही जाता है टी एन विच इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका टी एम टर्म है और ये आपका टी एन टर्म है, मतलब ये एम्थ टर्म है और ये एंथ टर्म है, लेकिन यहाँ पे एम्थ टर्म का एम टाइम है मतलब एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एंथ टर्म का एन टाइम से मतलब एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको ये दिया है एम्थ टाइम ऑफ टी एम इज इक्वल टू एंथ टाइम ऑफ टी एन। तो टी एम ये है उसको m से मल्टीप्लाई करना है, और tn ये है उसको n से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ आपको ये लाइन में गिवन है, तो आप यहाँ पे गिवन लिखिए। तो अब करना क्या, देखिए tm के प्लेस पे ये लिखेंगे उसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे, tn के प्लेस पे आप ये लिखोगे उसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस तरह हो जाएगा कि m इंटू ये पूरा विच इज़ इक्वल टू n इंटू ये पूरा। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए पहले क्या करते हैं कि d इंटू m dm करेंगे, ऐसी जो स्टेप यहाँ पे कर रहे हो वही स्टेप इसके पहले वाले 12th सम्स में हमने किया, सिर्फ SN था वहाँ पे। तो d इंटू एम डी एम और d इंटू माइनस वन माइनस डी, डी वन से डी, और d इंटू एन डी एन और d इंटू माइनस वन माइनस डी। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि m सेम रहेगा, a सेम रहेगा, d इंटू एम डी एम माइनस डी वन से डी, और n सेम रहेगा, a सेम रहेगा, और d इंटू एन डी एन और माइनस डी वन से डी। उसके बाद फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम कि m इंटू ए, m इंटू डी एम, m इंटू डी, उसी तरह ये भी, तो आपको ये मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि m इंटू ए ए एम, एम इंटू डी एम डी एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी डी एम विच इज इक्वल टू एन इंटू ए ए एन, एन इंटू डी एन डी एन स्क्वायर और माइनस एन इंटू डी डी एन। फिर आपको क्या करना, देखिए मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर 12 सम्स किया तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर लोगे। अब हमको करना क्या है, लाइक टर्म तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करेंगे ए एम और ए एन को एक तरफ रखेंगे, डी एम स्क्वायर और डी एन स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, डी एम और डी एन को एक तरफ रखेंगे, और एम माइनस एन कॉमन निकालेंगे जैसा वहाँ पे हमने पी प्लस क्यू निकाला था कॉमन, सॉरी पी माइनस क्यू निकाला था। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि
एम और ये इस तरफ आएगा तो माइनस ए एन हो जाएगा, उसके बाद डी एम स्क्वायर रहेगा और प्लस डी एन स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो माइनस डी एन स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस डी एम स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर और फिर ये माइनस लिखते हैं और डी एम यहाँ पे है, माइनस लिखा है यहाँ पे और डी एम यहाँ पे है, माइनस डी एन यहाँ पे आएगा तो प्लस डी एन हो जाएगा, तो माइनस डी एम है यहाँ पे और प्लस डी एन हो गया और वहाँ पे कुछ नहीं बचता तो जीरो हो जा रहा है। अब ये दोनों में ए कॉमन है एम माइनस एन बचेगा और इसमें d कॉमन है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बचेगा और इसमें भी d कॉमन है m माइनस n बचेगा क्योंकि ब्रैकेट में आप जब एक टर्म बनाओगे तो ये नेगेटिव साइन के से ये पॉजिटिव साइन माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं कि a कॉमन निकाला m माइनस n बचा प्लस d कॉमन निकालेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बचेगा माइनस d कॉमन निकाला तो m माइनस n बचेगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप इसे आपको प्लस मिलेगा विच इज़ इक्वल टू जीरो। अब इस टर्म में m माइनस एन है, इस टर्म में m माइनस एन है लेकिन इस टर्म में m माइनस एन नहीं है जबकि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है। तो आपको याद होगा अगर 12 सम्स किया है तो m स्क्वायर n स्क्वायर की जगह पे आप m प्लस एन और m माइनस एन लिख सकते हो, तो हम यही करेंगे, इसको सेम लिखेंगे और इसके प्लेस पे लिख देंगे d इंटू m प्लस एन और m माइनस एन और फिर आगे माइनस ये सेम लिखेंगे और आगे विच इज़ इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो तीन टर्म है फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड उसमें m माइनस एन और m माइनस एन सबका m माइनस एन हम कॉमन निकालेंगे। अब इसमें से अगर m माइनस एन बाहर निकला तो a बच रहा है तो हम लिखेंगे a, इसमें से m माइनस एन बाहर आ चुका है तो इसमें d इंटू एम प्लस एन बचेगा, इसमें से m माइनस एन बाहर आ चुका है तो इसमें माइनस d बचेगा। और एक बार फिर देखिए m माइनस एन बाहर है a बचा, m माइनस एन बाहर ये पूरा बचा, m माइनस एन बाहर है माइनस d बचा और आगे जो है विच इज़ इक्वल टू जीरो। अब ये जो m माइनस एन है इसको सेम रखते हैं। अब देखिए ये तीन टर्म है, इसके अंदर तीन टर्म है, ये पूरा एक टर्म आप समझ सकते हो अगर सब लोगे और अगर ये एक को आप अंदर चलते हो उसके अंदर तो एक टर्म आपको ये मिलता है, एक टर्म आपको ये मिलता है और एक टर्म ये मिलता है। इस टर्म में डी है, इस टर्म में भी डी है पर इस टर्म में डी नहीं है, तो हम क्या करेंगे डी कॉमन निकालेंगे पर ये दो टर्म से निकाल सकते हैं, इससे तो नहीं निकाल सकते, तो इसको आपको अलग छोड़ना पड़ेगा इसके जैसा। और जब d बाहर आ जाएगा दोनों में से तो यहाँ पे m प्लस एन बचेगा इसके जैसा और यहाँ पे जब d बाहर आएगा तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा इसके जैसा और ये इस तरह दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि a हमने छोड़ दिया उसी तरह, इसमें से और इसमें से d को बाहर निकाला है तो इसमें बचा m प्लस एन और इसमें बचा 1, तो ये d इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके साथ वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे है, ये आपको समझना है। फिर आगे विच इज़ इक्वल टू जीरो और अब टाइम आ रहा है कि आप इसको जीरो प्रूव करोगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर ये जो बच रहा है इसको ऐसे लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू जीरो, इसको ये जो मल्टीप्लाई हुआ अगर उस तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा और फिर जीरो अपॉन एम माइनस एन जीरो आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर दिस इज इक्वल टू जीरो और एक रीज़न लिख दोगे कि सिंस एम इज़ नॉट इक्वल टू एन देयरफॉर एम माइनस एन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर m n को इक्वल नहीं है तो n यहाँ पे आया तो m माइनस एन जो है इज विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, आप ऐसा बता सकते हो अगर वो दोनों जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स m माइनस एन, तो मैंने आपको 12th क्वेश्चन में बोला था कि अगर ये जीरो हो रहा है तो जीरो इंटू ये भी पूरा जीरो हो जाएगा और आपका पूरा सोल्यूशन ही नहीं आएगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको जीरो प्रूव कर दिया, इसको कर देते इक्वेशन नंबर 1। अब समझिए कि आपने ये पूरे को जीरो कर दिया है और आपको यही फाइंड आउट करना है, तो आपका जीरो तो आंसर आ ही गया। तो चलिए अब ये सम्स ही एंड होने वाला है, तो अब यहाँ पे बच रहा क्या है कि आपने इसको जीरो लिख दिया है, अब आपको टी एन का फॉर्मूला लिखना है कि नाउ टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो अगर ये टी एन है तो टी ऑफ एम प्लस एन क्या हो जाएगा, तो टी ऑफ एम प्लस एन जो है इसकी जगह पे एन के प्लेस पे एम प्लस एन आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो पूरा आप देख रहे हो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है और उसको आपने जीरो प्रूव किया और कंडीशन नंबर 1 रखा है, तो ये भी जीरो हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू जीरो कर देते हैं और उसको बोल देते हैं फ्रॉम 1, हमने 1 में ये चीज़ प्रूव कर दिया है और बस हो गया खत्म। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि टी ऑफ एम प्लस एन टर्म जो रहेगा वो जीरो रहेगा। दैट्स इट स्टूडेंट्स, 12 सम्स अगर आपका परफेक्ट है तो ये सम्स आपको बिल्कुल ईजी लगने वाला है। तो चलिए अब इसके बाद जो लास्ट सम्स है 14 सम्स इस लेसन का, इस चैप्टर का लास्ट सम्स प्रॉब्लम सेट का, वो शुरू करते हैं इजी सम्स है। ये एक्टिविटी है, आपको सिर्फ मैं पूरा क्वेश्चन एक बार दिखा रहा हूँ फिर सॉल्व किस तरह करेंगे वो देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चन है और एक्टिविटी है आपको सॉल्व करना है और ये है उसका मेन क्वेश्चन। तो अगर हम देखेंगे मेन क्वेश्चन तो ये उसका मेन क्वेश्चन है, दरअसल ये अप्लीकेशन ऑफ AP है कि AP को हम और कहीं कोई और सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो एक ये सिचुएशन है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो बैंकिंग सेक्टर में। देखिए क्या है कि ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ₹1000 इन्वेस्ट किया गया है और 10% पे सिंपल इंटरेस्ट पे,
और आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट जो फिक्स रहेगा, हर महीने आपको उतना ही भरना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है वैसा इंटरेस्ट नहीं है, फ्लैट इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्ट आपको एक बार बताया जाएगा वही आपको हर महीने भरना है। और वही टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1000 इन्वेस्ट किया है 10% के बेस पे इंटरेस्ट के, और सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। फिर क्या बोला कि चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एपी। तो आपको ये बोला कि चेक करो कि हर साल एवरी एंड चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के एंड में आप ये चेक करिए कि जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है वो एपी में है क्या नहीं है। इफ दिस इज एन एपी, अगर हाँ, अगर आपको एपी आ रहा है, देन फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। तो आप बताइए कि 20 साल के बाद पूरा इंटरेस्ट क्या होगा। तो पूरा इंटरेस्ट आपको चाहिए 20 साल के बाद। फॉर दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, और आपको कुछ करना भी तो नहीं है, आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो चलिए देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम है, पी आर एन अपॉन 100, जिसमें आपको मालूम है कि पी स्टैंड करता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, जो मेन अमाउंट होता है 1000, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे बोला है कि 10% रहेगा, और एन है नंबर ऑफ ईयर, तो वन ईयर के बारे में बात किया जा रहा है, और अपॉन 100 आपको कैलकुलेशन के लिए। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर वन ईयर, वन ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे पी आर एन अपॉन 100, तो पी 1000, आर रेट 10%, एन वन ईयर 100। आपको चेक करना है ना कि ये एपी में है क्या नहीं, तो हर साल के लिए चेक करना है। तो यहाँ पे तीन साल के लिए देखा गया है, तीनों साल में जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगे उसको आप डिफरेंस निकाल के डी निकालोगे। अगर डी तीनों का सेम रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा, तो इसका मतलब है कि हर साल का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एपी में है। तो 1000 इंटू 10 इंटू 1 करेंगे तो आपको मालूम है, कहीं से भी कैलकुलेशन करिए, ये और ये जीरो जाता है, ये और ये जीरो जाता है। 100 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 100, मतलब फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपीज़ है। सेकेंड ईयर में अगर आप देखते हो तो उसका फॉर्मूला रहेगा पी इंटू आर इंटू एन, एन यहाँ पे 2 रहेगा, तो 0 0 जा रहा है, 0 0 जा रहा है, 100 इंटू 2 आपको मिलेगा 200, 100 इंटू 2। अब थर्ड ईयर में भी आपको इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पे ब्लैंक दे दिया आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही रहेगा पी आर एन, तो पी प्रिंसिपल है वो सबके लिए 1000 है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% पे फिक्स किया गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10 रहेगा। हाँ, अब ये है कि किस साल के बारे में आप इंटरेस्ट निकालो, थर्ड ईयर का, तो यहाँ पे एन क्या रहेगा, मतलब नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर्स। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 100 इंटू 3 आपको मिल गया 300। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 100 है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 200 है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 300 है। मतलब अगर देखेंगे आप तो 100, फिर 200, फिर 300 और इसी तरह चलेगा। तो आपको नहीं लगता ये एपी है, 200 में से 100 माइनस किया 100 मिल रहा है, 300 में से 200 माइनस किया 100 मिल रहा है, मतलब ये जो इंटरेस्ट है वो एपी में है। और इन्होंने यही बोला कि चेक करो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एंड ऑफ एवरी ईयर जो इंटरेस्ट आ रहा है, द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एपी। टोटल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का ये है, टोटल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का ये है, और ये थर्ड ईयर का है, तो एपी में है या नहीं, तो हाँ वो एपी में है। और फिर ये बोला कि दिस इज एन एपी, और अगर ये एपी आ रहा है, देन फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा आपको वो फाइंड आउट करना है, और ये एक्टिविटी पूरा करना है। तो ये हमने इतना पार्ट कर लिया। इसके बाद का जो पार्ट दिया था उसमें क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे 100 मिला फर्स्ट ईयर पे, 200 मिला सेकेंड ईयर पे, 300 मिला थर्ड ईयर पे, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलते हो तो अकॉर्डिंग टू दिस द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4, 5, 6 ईयर्स विल बी, फोर्थ का 400 हो जाएगा तो फिफ्थ का कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, सिक्स ईयर का कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। मतलब ये पूरा का पूरा एपी बन जा रहा है। तो डिफरेंस कितना है सबका, 100 आपको बताया था, और फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो 100 था, फिर 200 है, फिर 300 है, फिर यहाँ पे बताया कि फिर 400 रहेगा, फिर 500 रहेगा, एंड सो ऑन रहेगा। तो फर्स्ट ईयर ए वो भी 100 रहेगा, माइनस करके निकाल रहे हो आप तो आपको भी 100 मिल रहा है, मतलब ये दोनों भी 100 रहेगा। तो आपसे क्या पूछा कि देखिए, आपसे ये पूछा कि देन फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर, 20 ईयर के बाद का जो इंटरेस्ट रहेगा वो बताइए। आपको ऐसा नहीं बोला कि 20 ईयर्स तक के सारे इंटरेस्ट को प्लस करके बताइए, 20 ईयर का जो 20 साल के बाद जो इंटरेस्ट रहेगा या 20वें साल का जो इंटरेस्ट रहेगा वो आप बताइए। तो T20 आपको फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर, TN का फॉर्मूला लिखा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो a के प्लेस पे आपको मालूम है 100 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, n आपको 20 लिया है तो 20 माइनस 1, d भी आपका 100 है। फिर अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये 100 रहेगा, फिर प्लस 20 में से 1 माइनस करोगे तो 19 आएगा, 19 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1900 हो जाएगा, 1900 को और 100 को अगर आप प्लस करते हो तो 2000 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा T20 2000, और इसीलिए लास्ट में लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर इज 2000।
तो चलिए सम्स इजी था और एक टाइप का एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे बताया गया था। तो चलिए ये चैप्टर भी एंड होता है, प्रॉब्लम सेट भी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।